हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आपके अपने वर्ल्ड एक्सचेंज चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में छोटा सा बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसे जरूर प्रेस करिए। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब तो कर देते हैं मगर बेल आइकन प्रेस नहीं करते, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। इसलिए फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, उससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नए नए आइडियाज का पता लगता रहेगा। फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नए तरह का शीशल डिजाइन बना के दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताता हूँ इस शीशल डिजाइन को बनाने में कौन कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, बेस बनाने के लिए ब्रश और रोलर की जरूरत पड़ेगी, और रोल प्ले मटेरियल अप्लाई करने के लिए फेल्ट रोलर की जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन रोलर इसे कहते हैं, फेल्ट रोलर भी कहते हैं। और एक स्क्रैपर है, ये रबड़ का स्क्रैपर है, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रबड़ का स्क्रैपर है। ओके फ्रेंड्स, और आप चाहे इस स्क्रैपर का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्पैचुला का भी यूज कर सकते हैं इस डिजाइन को बनाने में। जब मैं डिजाइन बनाऊंगा तब इसके बारे में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, बेस में मैंने रॉयल लग्जरी का यूज किया है और टॉप कोट में रॉयल प्ले मेटेलिक का यूज करूंगा, मैं वो भी आपको बता देता हूं। रॉयल लग्जरी, ये रॉयल लग्जरी है और इसका कोड नंबर है 7831 और टॉप कोट में मैंने मेटेलिक रॉयल प्ले मेटेलिक यूज किया है, इसका नंबर है 2259। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का डिजाइन। फ्रेंड्स, शीशल बनाने के लिए अगर आप स्क्रैपर का यूज करेंगे, रबड़ वाला स्क्रैपर का, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है रबड़ वाला, तो आप उस कंडीशन में स्पैचुला का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको स्पैचुला से बनाकर दिखाता हूँ कि स्पैचुला से किस तरह से बनता है। स्पैचुला से विजिबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। इसका कोई एंगल नहीं रखना, इसको किस एंगल में बनाना है इसको आप किसी भी तरह कैसे ही बना सकते हैं। ये तो हो गया स्पेक्ट्रल से बना के मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको स्क्रैपर से बना के दिखाता हूँ। स्क्रैपर से क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी जो विजिबिलिटी है स्क्रैपर से बहुत अच्छी रहेगी और इसका बेस भी एकदम क्लियर रहता है स्पेक्ट्रल से, सॉरी स्क्रैपर से। आप देख रहे फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ दो पीस बनाया है स्क्रैपर से, रबड़ स्क्रैपर से, और कितनी अच्छी क्लियरिटी है। और स्पैचुला से मैंने 1 2 3 4 5 पीसेस बनाए हैं, इसकी विजिबिलिटी उतनी नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये हो ये ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप कोई हार्ड बोर्ड ले सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, उससे भी ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी आएगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसको रफ करता हूँ और स्क्रैपर से ही बना के दिखाऊंगा आपको। फ्रेंड्स, आपको एक गीला कपड़ा भी साथ में रखना है, जिससे कि जब ये भर जाएगा इसको साफ करने में काम आएगा। इसको हर एक स्टेप पे साफ करना है, नहीं तो फिर मटेरियल इसका लटकने लगेगा वॉल पे। 4 से 5 स्टॉक काटना है एक बार जब हम करते हैं, या 4 या 5, 4 से 5 स्टॉक आपको काटना है। 4-5 स्टॉक काट के फिर इसको साफ कर लेना है, और सबसे ज्यादा ध्यान ये देना फ्रेंड्स कि आप इसको इसे एक ही डायरेक्शन में नहीं बनाना, अलग अलग डायरेक्शन में बनाना है।
फ्रेंड्स, स्क्रबर से मैंने आपको शीशल एक अलग तरह का शीशल बनाकर दिखाया। सो फ्रेंड्स, मेरा ये शीशल डिजाइन बनाने का तरीका और आपको बताने का तरीका ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।